हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक। आप देख रहे हैं द स्वराज और ये वीडियो होने वाली है हेलमेट्स के बारे में। ठीक है, हेलमेट्स के बारे में नहीं, एक्चुअली में हेलमेट के बारे में। मैंने एक नया हेलमेट परचेज कराया है। देखो, जो मेरा पुराना सेटअप था, जो हाफ फेस हेलमेट था, उसके आगे मास्क था, जो आपने मेरे मोटो व्लॉग्स में देखा होगा, उस हेलमेट सेटअप में मुझे बहुत सारे इशूज मतलब हो रहे थे। हेलमेट के ऊपर बढ़ने से पहले, हेलमेट के बारे में जानकारी बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने बंडाना पहना हुआ है, ये कोई कैप नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई ने इतनी गर्मी में कैप पहनी हुई है, ये कैप नहीं है, एक्चुअली ये बंडाना है। और बंडाना यूज़ किया जाता है हेलमेट के अंदर पहनने के लिए जब आप लॉन्ग राइड्स में जाते हो, तो ये काफ़ी यूजफुल आइटम है। ठीक है, उसके अलावा इसको आप पे भी यूज कर सकते हो और बाकी बहुत तरह से इस बंडानों को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। इसकी तरह चार भी है, मतलब पांच का सेट आता है ये, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको बंडाना की आवश्यकता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने हेलमेट के बारे में। तो मेरा हेलमेट आ चुका है अमेजोन से, मैंने अमेजोन से परचेज किया था और हेलमेट का नाम आप देख ही रहे हो, एक्सोर। तो ये एक्सोर का हेलमेट है और एक्सोर ही क्यों लिया मैंने, देखो यार, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इतना महंगा हेलमेट अपने लिए परचेज कर रहा हूं। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है, लाइक कौन सा बेस्ट हेलमेट होगा, कौन सा मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी होगा और कौन सा हर चीज़ की फैसिलिटी मुझे देगा, लाइक जिसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स होंगे ऑब्वियसली मैं वही हेलमेट परचेज करूँगा। ठीक है, मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि कोई मुझे स्पॉन्सर ला के दे। पूरा रिसर्च करने के बाद मैंने अपना बजट तय करा हुआ था और उसके हिसाब से मैंने ये हेलमेट परचेज करा है। राइट, इसके प्राइस के बारे में मैं आपको बता दूंगा आने वाले कुछ मिनट के बाद। तो अभी मैं आपको हेलमेट दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। मैंने अमेजोन से लिया था जिसमें मैंने आपको बताया, तो अमेजोन से जो पैकिंग आती है वो नॉर्मल इसी तरह की आती है। इसके ऊपर एक रैप होता है प्लास्टिक का, ठीक है, और कुछ खास नहीं होता, बस इसी तरह का बॉक्स आता है एक्सोर की तरफ से। तो अब मैं पेटी में से निकालता हूँ अपना हेलमेट। तो ये रहा अपना, ये देखिए, अरे बाप रे, ये रहा अपना हेलमेट। राइट गाइस, तो ये है एक्सोर का हेलमेट। अब आप ये देख रहे होंगे इसके बाहर से कवर है। टू बी वेरी वेरी प्रिस्क्राइब एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस कवर की क्वालिटी देख के ही पता लग जाता है कि हेलमेट की क्वालिटी कितनी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि इसके कवर की क्वालिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस क्वालिटी की तुम्हें पजामे पहनता हूँ साले। हाँ, मतलब आई एम नॉट जोकिंग, सच में ये जो कपड़ा इन्होंने यूज करा है इसके अंदर, इस टाइप के लोअर्स आते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो काफी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने कवर दिया है और कवर से मैं काफी इंप्रेस हो चुका हूँ। हेलमेट से तो ऑब्वियसली हुआ ही हूँ, तो कवर ने काफी दिल जीत लिया। तो इस तरह से ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ से हम निकालते हैं अपना हेलमेट। तो इस तरह से देखिए, ये देखिए, टन टन। सो दिस इज द हेलमेट। आपने सिनेमेटिक शॉट्स भी देखे होंगे वीडियो के शुरू में, और अभी मैं आपको डे लाइट कंडीशन में भी दिखाऊंगा ये हेलमेट कैसा लगता है, और बाइक में बैठ के भी मैं आपको दिखाऊंगा ये हेलमेट कैसा जचता है। उसके अलावा मैं यहाँ पे अपना मोटो व्लॉग का सेटअप भी लगाऊंगा, उसके लिए मैंने एक अलग से चिन माउंट परचेज करा हुआ है, तो वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। उसके अलावा ये देखो यार, ये है हेलमेट और ये है डल ब्लैक ग्रीन कलर का, ठीक है। इस हेलमेट के अंदर एक्चुअली में तीन कलर्स आते हैं, जिसमें से एक ग्रीन आता है, एक ब्लैक आता है और एक ब्लू आता है, ठीक है। और उन तीनों कलर के दो वेरिएंट है, एक मैट फिनिश में है और एक ग्लॉसी फिनिश में है। अगर आपकी बाइक ग्लॉसी है तो आप डेफिनेटली ग्लॉसी कलर का हेलमेट परचेज कीजिए। मेरी बाइक मैट कलर में है, तो इसलिए मैंने मैट फिनिश वाला ये हेलमेट परचेज किया है। तो ये है आपका एक्सोर का एपेक्स वेनमस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वेनमस .kneceke, ठीक है। और ये इंडिया में भी लीगल हेलमेट है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो इंडिया में कोई हेलमेट पहन ही ले सही से, वही बड़ी बात होती है। ओके, तो ये है इसका डिज़ाइन, काफ़ी अच्छा है। आगे इसमें 3D लोगो है एक्सोर का, जो काफ़ी प्रीमियम देता है। और ये काफ़ी हैवी हेलमेट है, हैवी मतलब कि देखो, मैंने लाइफ में बहुत हल्के हल्के हेलमेट यूज़ करे हैं, जैसे रॉयल इनफील्ड का हाफ फेस हेलमेट है, बहुत हल्का हेलमेट है। उसके अलावा मैंने एक 500-600 रुपये का होंडा के शोरूम से हेलमेट परचेज़ किया था, जब मैंने अपनी एक्टिवा परचेज़ करी थी, तो उसके साथ बहुत हल्का फुल्का हेलमेट आया था। वो ISI मार्क तो था, लेकिन बहुत हल्का प्लास्टिक का था, मतलब उसे अगर मैं ज़ोर से ऐसे मारूँगा वो निकल जाएगा, उसका हो जाएगा काम। तो उसके हिसाब से इन कंपेरिजन टू That type of helmets, ये helmet काफी बल्की लगता है, to be very honest, काफी बल्की लगता है, ठीक है। चलो फिर इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं। लुक्स तो आपने खैर सिनेमेटिक शॉट्स में देख ही लिए होंगे, मैं इसके फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि जिस प्राइस रेंज में ये हेलमेट आता है उसके हिसाब से कितने ज़बरदस्त फीचर्स आपको ये प्रोवाइड करता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका एंटी फॉग वाइजर, ठीक है। जिस प्राइस रेंज में ये आता है, इस प्राइस रेंज में इस तरह के एंटी फॉग वाइजर बहुत रेयर देखने को मिलते हैं,
हालांकि आई डोंट नो कि मिलते भी होंगे राइट। अब इसमें पिन वाला सेटअप भी है, इसमें आप अलग से एक एंटी फॉग लेयर लगा सकते हो, यहाँ पे पिन के लिए होल दे रखा है इसमें, ठीक है। और जैसे कि आप हेलमेट के शीशे में यहाँ पे इसके फीचर्स पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा है ये एंटी स्क्रैच वाइजर है, ये जो सामने का वाइजर है ये इसमें एसेसरी के तौर पर दिया था कंपनी ने, पहले लगा हुआ नहीं था, मैंने खुद लगाया है। उसके साथ साथ अगर आपको बड़ा वाला नहीं लगाना है तो आप छोटा वाला भी लगा सकते हो। उसके अलावा कुछ ये आपके ब्लड ग्रुप के स्टिकर्स देती है जो आप अपने हेलमेट पर लगा सकते हो, जो कि बहुत बहुत और बहुत ही अच्छी बात है। ये डबल वाइजर वाला हेलमेट है, इसका वाइजर अगर मैं ये वाला ओपन कर दूं तो ये देखो साइड से अगर मैं इस बटन को खिसका दूं तो ये देखो डार्क वाला इसमें वाइजर आ जाता है, ठीक है। तो ये डबल वाइजर वाला हेलमेट है, ये वाइजर मैंने ऐसे बंद कर दिया और यहाँ से अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये देखो ये लॉक हो गया। एक्चुअली मैंने थोड़ा तेज बंद कर दिया तो ये एक्चुअली में लॉक हो चुका है। अब ये हेलमेट पे चाहे कितनी भी स्पीड में आप चल रहे हो ये वाइजर ऊपर नहीं उड़ेगा, ठीक है। देखो ये वाइजर ऊपर नहीं उड़ेगा, इसको ओपन करने के लिए आपको इसको हल्का सा ऊपर उठाना पड़ेगा इस तरह से। अब ये उठ गया है, अब ये इजिली यहाँ पे इस तरह से, थोड़ा टाइट है अभी नया है तो इस तरह से ओपन हो जाता है, राइट। सही है, बढ़िया है, मतलब बहुत जबरदस्त क्वालिटी का है टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, अब बात करते हैं इसकी एयर वेंट्स। तो एयर वेंट्स के तौर पे सामने आपको ऑब्वियसली बात है ये कॉमन सेंस है, सामने आपको एयर वेंट मिलेगा। उसके अलावा इसके ऊपर यहाँ पे दो एयर वेंट है ये वाले, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं, राइट, और यहाँ से हवा बाहर निकलती है पीछे से, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल फीचर है। उसके अलावा इसकी पैडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार देखो इसकी पैडिंग, देखो इसकी पैडिंग इतनी ज़बरदस्त है ना, इतनी ज़बरदस्त और इतनी अच्छी तरह से फिटिंग होती है। मतलब जो आपका ये जो जॉ लाइन है, ठीक है, ये जो जबड़ा होता है इसमें इतनी परफेक्ट तरीके से फिटिंग होती है। और ये मीडियम साइज़ का हेलमेट है, राइट। मेरी हाइट है 5'7" 5'8" और मुझे मीडियम साइज़ का हेलमेट आता है और बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आता है, मतलब कहीं से बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है ये। और इसकी जो पैडिंग है काफ़ी काफ़ी मतलब सेट है एकदम एकदम। अभी तो एक खैर नया हेलमेट है तो थोड़ा टाइट मुझे फील हो रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब इसकी कुशनिंग जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो ये बहुत मक्खन तरह से हो जाएगा फिट और कंफर्टेबल। एक फीचर इसमें और है, वो है कि इसके अंदर आप ब्लूटूथ स्पीकर्स भी लगा सकते हो अगर आप इसमें इंटरकॉम सेटअप लगाना चाहते हो। जैसे इंटरकॉम आपने देखा होगा जो ग्रुप में राइड करते हैं वो इंटरकॉम के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो आप इसमें इंटरकॉम लगा के उसके स्पीकर्स जो है इसके अंदर लगा सकते हो। इसमें अलग से स्पेस दिया हुआ है उस चीज़ के लिए। उसके अलावा जितना भी इसके अंदर ये पैडिंग आप देख रहे हो ये रिमूवेबल है, ये रिमूवेबल है, पूरी चेंज हो जाती है और धुल के वापस लग भी जाती है, ठीक है। जब तक आपका धो के काम चल रहा है काम चलाओ, जब आपको लगे कि बहुत पुरानी हो गई है इस पूरी पैडिंग को उतारो और चेंज करके नई लगवा लो, सिंपल, ठीक है। और ये इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूवेबल एंड वॉशेबल लाइनर्स, ठीक है, लाइनिंग सॉरी, ठीक है। ऊपर से ये मीडियम साइज़ है, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, राइट। और काफ़ी अच्छा लुक आता है इस हेलमेट का, ये देखो। मैं नीचे चिन प्रोटेक्शन भी आता है जिसकी वजह से कोई भी मक्खी मच्छर कोई भी घुस नहीं सकता वाइल राइडिंग दी बाइक, तो ये अच्छी बात है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई इस तरह का चिन माउंट यूज़ कर रहे हैं जो बेल्ट के थ्रू टाइट होता है, आपने देखा होगा जिसमें एक एक्शन कैमरा माउंट आता है जो यहाँ पर फिक्स होता है और उसकी बेल्ट अंदर से जाती है, तो वो मेरे हिसाब से इसमें नहीं रहेगा सूटेबल, क्योंकि आपको फिर यहाँ पर ये जाली जो है ये काटनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इसको डैमेज करते हो तो फिर यार देखो मर्जी है आपकी, अगर आप करना चाहते हो तो करो, मैं नहीं करना चाहता इसलिए मैंने उस तरह का माउंट नहीं लिया है और मैं इस चिन प्रोटेक्शन को बरकरार रखना चाहता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं यहां से वो फिक्स कर देते हैं तो चिन माउंट का कोई यूज नहीं होता है, राइट। तो मैं वो चीज नहीं करने वाला हूं। जो मैं फिक्स करूंगा अपना मोटोरोला का सेटअप वो बाहर से ही स्टिक करूंगा 3M वाले टेप से, और मैंने वो परचेज किया हुआ है, वो मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया, जो ये इनका कवर है, इस कवर के अंदर वाला जो मटेरियल है, ये वाला अंदर वाला जो मटेरियल है ये बहुत सॉफ्ट है, और ये सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि जब आप हेलमेट आप इसके अंदर डालोगे तो ये हेलमेट पे स्क्रैच नहीं मारेगा। अब इसका प्राइस के बारे में आपको बता देता हूँ, तो इसका प्राइस है 4,700 रुपीज, यानी कि अंडर 5,000। एक्सोर वेनमस इज द बेस्ट 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 हेलमेट टू परचेज, और इस प्राइस रेंज में इस तरह की क्वालिटी इस तरह के फीचर्स कोई हेलमेट आपको प्रोवाइड नहीं करता है, जहाँ तक मेरी रिसर्च बोलती है। बाकी अगर आपको कोई और अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है यार, मुझे ये अच्छा लगा मैंने ले लिया। अब पॉइंट आती है कि मैंने इस ग्रीन कलर को ही क्यों परचेज किया है, मैंने डार्क ब्लैक कलर क्यों नहीं परचेज किया जबकि इसमें ब्लैक कलर भी आता है। देखो गाइस मेरी बाइक पूरी ब्लैक कलर की है मैट फिनिश की, और ब्लैक कलर इसलिए परचेज नहीं किया क्योंकि रोड अपीयरेंस जो होता है ना रोड में
दिखने वाला जो थोड़ा वाइब्रेंट कलर होना चाहिए आपके हेलमेट में, आपकी जैकेट में, कुछ ना कुछ ऐसा वाइब्रेंट होना चाहिए जो दूर से चमके। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पीला टोपा पहन के घूमते रहो, कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़े कलर्स होने चाहिए, लाइक थोड़ा वाइब्रेंट दिखना चाहिए इंसान को रोड के अंदर, थोड़ा विजिबल होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई मैंने इसको ग्रीन कलर में परचेज किया है, और यही रीज़न है कि मैंने ब्लैक कलर को इस वक्त अवॉइड किया है। वैसे मैं ब्लैक कलर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन फिर भी ये एक रीज़न था जो मुझे काफ़ी जेन्युइन भी लगा और सेफ्टी फीचर के हिसाब से भी काफ़ी सही लगा, इस वजह से मैंने ये ग्रीन कलर चूज़ किया है। गाइस तो ये है वो चेन माउंट जो मैंने इसके लिए स्पेशली परचेज किया है, और इसमें मैंने अपना कैमरा भी फिक्स करा हुआ है जे माउंट के साथ। और ये चेन माउंट कुछ इस तरह से फिक्स होता है, इसके आगे मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने अभी फिक्स नहीं किया है, करूँगा मैं अभी बाद में। तो ये कुछ इस तरह से इसमें फिक्स हो जाएगा, और ये जो चिन माउंट है इस कंपनी का नाम है ब्लू आर्मर के नाम से है। तो ये चिन माउंट कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देख लो, ये देखो, ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मेरा चिन प्रोटेक्शन है हेलमेट के अंदर वो बच जाएगा, और ये 3M टेप्स प्रोवाइड है इसके अंदर, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टिक रहेगा इसके ऊपर, और लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। और इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके परचेज कर सकते हो अगर आपको ये वाला चिन माउंट चाहिए, ठीक है। इसमें आप एक्स्ट्रा डबल टेप भी लगा सकते हो अगर आपको ये हल्का लग रहा हो, मुझे तो फिलहाल नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से तो ये झेल जाएगा इस कैमरे को, ठीक है। और इसको मैं कुछ इस तरह से इसमें फिक्स करूँगा, इस तरह से फिक्स करूंगा, तो ऐसा लगेगा कि ये हेलमेट का ही पार्ट है। इससे एक चीज़ और हो जाएगी, मुझे एमसील लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एमसील लगाने से हेलमेट डैमेज हो जाता है, डेट्स वाई मैं यूज़ नहीं करूंगा एमसील का। और ऊपर से जो आगे का जो एयर वेंट है ये भी मेरा एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स वाई मैंने इस तरह का ये चिन माउंट परचेज किया है अपने हेलमेट के लिए, राइट। चलो अब मैं आपको अपना हेलमेट पहन के दिखाता हूँ कैसा लुक आता है इसका पहनने के बाद। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, वो है इसका एंटी फॉग वाइज़र, जैसे मैंने बताया था, लेकिन देखो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, ये देखो, ये चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़ आप जो देख रहे हो ये वाली, ये इसके अंदर पहले से लगी हुई है, यानी कि एंटी फॉग पहले से इसमें इनबिल्ट लगा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि ये इसके साथ आता है, लेकिन इसके साथ आया है, सो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपने फिट एंड फिनिश तो देख ही ली, और डे लाइट मतलब जो डे में इसका लुक आता है वो भी आपने देख लिया, सिनेमेटिक शॉट्स आपने देख लिए। तो आप बताएं आपको कैसा लगा ये हेलमेट, अगर अच्छा लगा हो लुक वाइज तो अच्छी बात है, बाकी आप देख ही सकते हैं फिटिंग काफ़ी सही है इसकी। और ये रहा इसका वाइज, ये डार्क वाला वाइजर इस तरह से, और पूरा देख ही सकते हो, है ना। और मेरी बाइक के साथ भी अच्छा जा रहा है, ये मेरी ब्लैक कलर की मीटियोर 350 है, इसके साथ भी ये हेलमेट काफ़ी सही चल रहा है, देखो ऐसा ऑड नहीं लग रहा है, काफ़ी मुझे सही लग रहा है, कम्फर्टेबल लग रहा है, और ब्रीथेबल है इस, ये ब्रीथेबल हेलमेट है। और ये फुल वाइजर बंद करके कुछ ऐसा लगता है, और ये एंटी फॉग है, ये जो है ये एंटी फॉग है। बस इतनी ही वीडियो थी मेरी पूरी, और अगर आपके हेलमेट अच्छा लगा हो, देखो 5000 बजट के अंदर ये बेस्ट हेलमेट है, और गुड टू गो हेलमेट है, लाइक सिक्योरिटी वाइज, सेफ्टी वाइज, कंफर्ट वाइज, लुक वाइज, और इसमें जो फीचर्स हैं उन सबको ऐड ऑन करते हैं, तो बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है आप लोगों के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। थोड़ा यहाँ से आपको शुरू शुरू में टाइट लगेगा, लेकिन आप यूज़ टू हो जाओगे इस चीज़ के, क्योंकि ये हेलमेट ही कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें देश का, अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद, जय हिंद।